किसी भी हिंदू विवाह के पहले आपसे यही पूछा जाता है, आपका गोत्र क्या है या फिर आपकी जाति क्या है। तो क्या आप जानते हैं आपका गोत्र क्या है या फिर आपके जीवन साथी का गोत्र क्या है? तो आइए हम आज पता लगाते हैं आपके गोत्र के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास, द क्रिएटर ऑफ फैक्ट फ्रीज चैनल, और लेकर आया हूं एक और ट्रुथ ब्रेकिंग वीडियो सिर्फ आपके लिए। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार गोत्र के जरिए वंश का पता लगाया जाता है। गोत्र जानने से आप अपने मूल यानी प्रथम पिता और अपनी परिवार की नींव का पता लगा सकते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे देश में चार वर्णों को माना जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे पहले थोड़ा इस बारे में जानते हैं कि गोत्र और वर्ण में आखिर अंतर क्या है। इस संसार में सबसे पहले गोत्र का उदय, उसके बाद ही वर्णों की व्यवस्था हुई। जिन्होंने अपने काम के आधार पर जिस वर्ण को चुना वो वही वर्ण के हो गए, और बाद में बहुत सारे कारणों की वजह से वर्ण बदलते रहे। किसी राज्य का कोई मुख्य व्यक्ति ब्राह्मण बन गया, तो कहीं कोई क्षत्रिय बन गया, या कहीं वैश्य अथवा शूद्र बन गए। इन सब के बाद वर्ण विभाजन जाति प्रथा के आधार पर होने लगे, और यही मेन कारण है कि प्रत्येक गोत्र आपको प्रत्येक जाति में मिलेंगे। कश्यप गोत्र आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत तथा पिछड़ी और अन्य जातों में मिलेंगे, और इसी प्रकार कौशिक, वशिष्ठ तथा अन्य गोत्र भी आपको अलग अलग जातियों में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो बनिया जाति के लोगों में आपको कश्यप गोत्र भी मिलेंगे और अत्रि तथा वशिष्ठ भी देखने को मिलेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तो बताइए कोरी जाति का गोत्र क्या होता है? नहीं जानते, कोई बात नहीं। जैसा हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि किसी भी जाति में सिर्फ एक गोत्र नहीं होता है, वैसे तो कोरी अर्थात बुनकर जाति, लेकिन इनमें से आपको कश्यप गोत्र के भी मिलेंगे, अगस्त्य और वशिष्ठ भी मिल सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक ही जाति में आपको हर एक तरह के गोत्र देखने को मिल जाएंगे। तो अपनी गोत्र का पता कैसे करें? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका गोत्र क्या है, यह अपने आप पिता से पूछ सकते हैं। अगर उन्हें नहीं पता तो आप अपने दादाजी से ही पूछ सकते हैं, और यदि उन्हें भी नहीं मालूम तो आप अपने गांव और अपने रिश्तेदारों से पता कर सकते हैं। अगर फिर भी मान लीजिए आपको अपने गोत्र का पता नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, जिन्हें अपने गोत्र का पता नहीं होता है उन्हें कश्यप गोत्र से मान लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से ये तो पता चल गया होगा कि आपका गोत्र क्या है। तो जल्दी से अपने बड़ों से अपने गोत्र का पता करिए और कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको गोत्र के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोबारा एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, कीप क्यूरियस।